अखबार खोल करके जनता ने पढ़ा होगा और पढ़ करके ये सोचा होगा कि सरकार जो अपनी एसेट बेच रही हो, सरकार अपनी कीमती चीजों को बेच रही हो, और सरकार का ये कहना कि 2.5 लाख करोड़ हमें रुपए इकट्ठे करने हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, न जाने कितने दिन पहले 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठे कर लिए होंगे, और फिर अगर चीजें बिक जाएंगी, प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाएंगी, तो मुझे बताइए कि संविधान से मिले हुए अधिकारों का क्या होगा। संविधान से जो अधिकार मिले हैं, जो नौकरियां, आरक्षण, आखिरकार क्या होगा उसका। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके अर्थव्यवस्था पर, जानबूझ करके नौकरी, रोजगार, महंगाई पे बात नहीं कर रही है। आज मध्यम वर्ग, आज गरीब किसान क्या खाए और क्या बचाए, आज इस हर एक की कहीं ना कहीं आमदनी कम हो रही है, आज कटौती हो रही है, सब परेशान है महंगाई से, और कोई वर्ग नहीं बचा जो महंगाई से परेशान न हो।